बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग। तारीख है 4 जनवरी 2023, समय हो गया है 09:03 AM। एक तो जो थार कोल्ड फील्ड है ना, थार कोल्ड फील्ड से कोयला निकालना शुरू करो, बेचना शुरू करो भैया। अमान ग्रुप है ना, अमान ग्रुप मेरा ही है, उसमें पाकिस्तान के जितने मनी लैंडर्स हैं वो सब हैं। और बहुत पैसा लग गया यार, इन्होंने अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। अब इन्हें अमान ग्रुप वाले ही निकालेंगे, अमान ग्रुप के जितने भी मनी लैंडर्स हैं वो लोग कोयले के ट्रक निकालना शुरू करो, ठीक है। हाँ, डायमंड्स भी हैं, डायमंड्स भी रे, वो ऑक्शन होती है, वो अपने आप करेंगे, उतना मुझे पता नहीं है, समझ में आई। अमान ग्रुप और बाइकोज है, बाइकोज से भी तेल जो है अमान ग्रुप वाले ही बेचेंगे। और गवादर है ना, गवादर पोर्ट खोल दो, शिप्स, हाँ शिप्स लेना शुरू करो, मर्चेंट शिप्स आ रहे हैं ना, मर्चेंट शिप्स लेना शुरू करो। और जो मर्चेंट शिप के जो का जो स्टाफ आएगा, पूरी सिक्योरिटी देनी है, राइट। और वो जो होटल लिया है ना, वो तो मैडम ने मना कर दिया, रवि पिज़्ज़ा ने कराची में, वो खोल दो। जितने मर्चेंट शिप आ रहे हैं ना, खड़े हैं, लेना शुरू करो सारा सामान, कंटेनर के कंटेनर खरीदो। अमान ग्रुप, अमान ग्रुप इसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। परचेज करना शुरू करो, आपको बेचना चाहता है बेचना भी शुरू करो। कंटेनर आज के जो कह गए तो मर्चेंट शिप आएंगे ना, वो एक सामान बेचेंगे दूसरा लेंगे, तो लोड कराना शुरू करो, ठीक है। क्या ऐसे मौके पे क्या बोलते हैं, शुभ लाभ, ओके, बेस्ट ऑफ लक, ट्रेड इज ऑन, बिजनेस इज ऑन। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट के उसमें है ना, और हमने सिर्फ अपडेट कर दिया, बिलिंग विलिंग वो अपने आप देखेंगे। तो आइएगी, मतलब वैसा नहीं कर देना इलेक्ट्रिसिटी जो पावर ग्रिड का जो मामला है। अमान ग्रुप को बोल दो बिलिंग रिकवरी, पर बिलिंग रिकवरी याद रखना यार, ऐसा मत कर देना, ठीक है, बहुत पोलाइटली इलेक्ट्रिसिटी का। और IGL की बात कर ले यार, अमान ग्रुप को बोल दे यार, तैयार हो गया, मुझे बहुत खुशी है। IGL पाइपलाइन गैस लिमिटेड, नहीं नहीं किसी और नाम से जाएगी, हाँ मेन सिटीज़ का जो है काम चालू करा दे यार। देख ले कौन, नहीं नहीं हमारे अपने ग्रुप में बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है यार। मुझे स्टार्टिंग में जब उस दिन बात हुई थी, वो तो अच्छा हुआ आज आपने याद दिला दिया मेरे को, भेज दिया मैंने मैसेज, इन्हें बोला मत कुछ, ज़्यादा पैसा नहीं है, छोड़ना। पर ये बोलो मैडम, ये फालतू की ना कहानी नहीं चलती यहाँ पे। नहीं पैसा लिया, पैसा तो देना होगा, बता देना पैसा। चाय पीजिए। गवादर पोर्ट खोल दे ट्रेड के लिए। हाँ हाँ यार, फैसिलिटी दे, देख सारे मर्चेंट शिप अपने आप आएंगे, मर्चेंट स्टाफ आएगा ना, ये सप्लाई नहीं करनी है। बोले ये काम नहीं करते हम। हाँ बाकी कराची में जो 5-star होटल है ना, मर्चेंट स्टाफ को पूरी सिक्योरिटी से आप वहाँ रह सकते हैं। हाँ पूरा क्रू में, वो तो अपने आप उनका रहता है, कैसे कौन शिप पे रहेगा, कौन वहाँ रहेगा कैप्टन वगैरह के लिए। नहीं नहीं पैसा हमारा रहेगा, उन्होंने कुछ नहीं देना है, वो ज़्यादा दिन कितना दे, जितने दिन क्या कहते हैं खाली होने में टाइम लगता है वो ही, उतना तो रुकते भी नहीं है, एक तरफ खाली होता जाता है दूसरी तरफ लोड होता जाता है, इतना टाइम भी नहीं लेता है, 10 दिन 15 दिन जो भी है, पैसा मेरा होगा, ठीक है। हाँ हाँ ले ले, खरी 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 फटाफट खोल देगा बादर पोर्ट। नहीं यार बहुत, मैं कल यार वो लड़की की प्रोफाइल सुन रहा था मैं, 2500 रुपये का 20 किलो आटा, चालू कर काम चल। अब 2023 में भी ये सब दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी खोल इंडिया का, अभी नहीं नहीं इंडिया का ग्रुप नहीं बताने भी, आना देख मामला फिर देखते हैं, सारी चीज़ें तो रेडी है। हाँ हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खोल दे,
गवादर इज ऑन, सीपैक ऑन करेंगे, बात कर वो चाइनीज ग्रुप है ना उनसे बात कर ले भैया, सीपैक ऑन कर ले फिर, रेडी है ना, सिक्योर, हाँ एटी परसेंट रेडी है, सीपैक ऑन कर दे, सीपैक ऑन कर ले, चल एटी परसेंट रेडी है, बात हुई अभी टीवी लगा हुआ है यार डायरेक्ट जिंगबिंग से बात हो जाती है ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑन है अभी, गवादर से वर्ल्ड ट्रेड ऑन है, गवादर से वर्ल्ड ट्रेड ऑन कर दिया गया है इधर इंडिया में, तो इधर से बाय रोड कर लेंगे, बाय रोड कर लेंगे ये लोग, बात कर लियो, स्टॉक करते जाओ, फूड आइटम सारा जितना हो सकता है उतार मंडी में, सबसे पहले आटा उतार, दबा के उतार दे, दबा के, समझ भाई, गवादर की वजह से जो दिक्कत हो गई थी, गवादर बंद कर दिया गया था ना, गवादर खोल ही नहीं रहते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खोल ही नहीं रहता, खोल दे, हाँ जितने भी मर्चेंट शिप्स आएंगे ना सबको, कराची के दो 5 स्टार 7 स्टार्स हैं, कितने हैं, हाँ बात कर ले उनसे, बोले भी हमारा मर्चेंट स्टाफ आएगा वो रहा करेगा, बस वहीं हाथ के हाथ स्लिप पकड़ानी है उनको, और उनको जो एस्कॉर्ट करके होटल स्टाफ के पास भिजवा देना होटल में, हालांकि उनकी कंपनियाँ होती हैं, उनको बोले सर ये क्या कहते हैं हितेश ने बोला है, ठीक है आपको आपकी कंपनी को कोई पेमेंट नहीं करनी है, वो हमारी जिम्मेवारी है, गवादर पोर्ट को बोलते ले लेंगे जितने 5 स्टार 7 स्टार है, ये पब्लिक के लिए भी रहेगा राइट, कितने 10 बजे खुल जाएगा, सीपैक ऑन है भैया, इकोनॉमिकल कॉरिडोर ऑन कर दिया गया पाकिस्तान का, मैं चला रहा हूँ ठीक है, हथियार नहीं जाएंगे पहले बोल दे रहा हूँ ना, कोई कंटेनर शिप कोई आर डी एक्स ले आए, हाँ हम पुलिस रिपोर्ट कर देंगे पुलिस को और आर्मी को, पहले बोल दे रहे भैया, हाँ साफ सीधी बात है, जब तो हो गया फिर दिक्कत में आ जाओगे, साफ बोल दिया भैया कोई लीगल ट्रेड नहीं है, बिजनेस ऑन है भैया है, बहुत बहुत अच्छा किया आपने बताया मेरे को सुबह, थार में थार कोल्ड में 10% मेरा, 10% के ट्रक 10% 100 में से 10 ट्रक मेरे होंगे बाइकोस में भी, बाकी 90 आपके आप लोगों के ठीक है, और गवादर में भी 10% परचेज मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लो, या आप लोग कर लो जो बचेगा मैं कर दूंगा, कोई मर्चेंट शिप आ जाए जाने मत देना, कोई सामान आ जाए कोई उतार लो, कोई सामान आ जाए मार्केट भर दो पूरी ठीक है, यहाँ वहाँ अफगानिस्तान ठीक है, कश्मीर, बांग्लादेश पोर्ट यार ये ऑन ही नहीं करने दे रहे थे, मैंने फिर दिमाग ही नहीं लगाया, छोड़ना सुंदरबन के चक्कर में, मैं तो बोला था कि मैंने कहा कमर्शियल पोर्ट ऑन कर लेते हैं बांग्लादेश में भी, माने ही नहीं, बुला ले अभी देखने कितना मजा आएगा, उन्होंने यार शिप घूमते रहते हैं पानी में, तो अब देखें कितनी जल्दी घुमा देंगे वो, पाँच पाँच दिन में अनलोड करेंगे, क्रूड ऑयल वगैरह सब आ रहा होगा,
बायकोस को बोल दे, ठीक है, बायकोस 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 वाले खरीदेंगे क्रूड ऑयल जितना आएगा, मैं खरीद लूंगा। हाँ आपने खरीदना, आप खरीद लो। है भाई मर्चेंट शिप टीएस रहमान ट्रेनिंग शिप रहमान थोड़ी 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 ट्रेनिंग कर रखी है नहीं यार तुमने आज अमान ग्रुप ने मुझे भी नलाई दिया और मैंने मैंने भी तोला लेकर के सोचा वो ही ले यार, मैंने कहा क्या बात है बड़े वो इंटरेस्ट वही है। अब जो बात हो रखी होगी 8%, अब वो तो बता देंगे कब से पड़ेगा ना। मैं पता है इतना आराम से क्यों बैठा रहता हूँ, मेरी किसी को उधारी देनदारी नहीं है, मेरी मैंने किसी के पैसे देने ही नहीं है, कोई उधारी 1 रुपए की उधारी नहीं है मेरे सर पे। वो उसका जॉय वाला, वो जॉय ने तो चेक परचेज करा लिया था ना, जॉय ने तो चेक परचेज करा लिया था ना, उसकी वाइफ ने बोला था, यही बता रहे थे ना, तो फिर कौन सा पैसा हुआ? 50,000 का जो चेक था वो जॉय ने परचेज करा लिया था। नहीं इतनी तो रखते हैं यार मार्केट में देनदारी लेनदारी जीरो नहीं रखते कभी भी, थोड़ी बहुत तो रखते हैं, लेने वाला तंग करे यार एकदम जीरो कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई याद ही नहीं करेगा, अबे किसी बहाने तो आ जब पैसा देने आ जब पैसा लेने आ, अबे किसी बहाने तो आ यार वो हेरा फेरी नहीं। आईजीएल में बात करियो जरा, उधर दिमाग काम नहीं करता क्या तुम्हारा? अब 19,000 का नोटिस भेजा हुआ है, 18,000 रुपये का मैसेज आ रहा है, क्या मतलब है? दोनों अलग है भाई यार, 8-9 करोड़ पे, 9 करोड़ पे क्या कहते हैं पर डे की वो है एडजस्टमेंट। उन्होंने कहा सर हम बिलिंग का कैश भिजवा देंगे आपके पास। अच्छा जी यहाँ भी ले भैया, क्या रेट चल रहा है यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी, चेक करता हूँ नए रेट पे कर देंगे स्लोली स्लोली जो है ना 3 से 5 महीने में कर देंगे, बहुत होता है। हाँ वो सब पता रहता है डॉक पे सब पता रहता है उनको, कस्टम वालों को सब पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। और तो बोल दे भैया देखो यार रिश्वत ना देते ना रिश्वत देते, जो सही है वो बात कर लो उनसे, पेमेंट प्योर 100% वाइट होती है, बस इलीगल परचेज नहीं है कुछ भी और ना ही इलीगल एक्सपोर्ट है। जब मर्जी चेक कर लो, इधर का रह गया होगा फिर 20% पीओके वाला मामला, फ्रूट्स का ये अफीम करा का आए ना, अगर अफीम आए वो कस्टम वालों को बोलना, कस्टम और नार्कोटिक्स वालों को, वही परचेस करेंगे, हम नहीं करते। 4343 पे परचेस कर सकते हो अफीम सिर्फ, नहीं कोकीन नहीं, अफीम गांजा परचेस कर सकते हो, नार्कोटिक्स 4343 बेल्ट नंबर है मेरा। नहीं अफीम सेल है,
क्यों भाई? आईसीजे ने अप्रूव कर दिया, नारकोटिक्स से मिलेगी, फिर नारकोटिक्स ऑफिस जाना पड़ेगा आपको अगर आप अफीम लेते हो तो। पता नहीं क्या रेट है। हाँ बिल्कुल, नारकोटिक्स वाले बेचते हैं। ले पर पता क्या, तुम कहाँ जा, कितना चाहिए तुम्हारे को? नहीं कोकीन नहीं, चरस ले ले, नारकोटिक्स से जितनी मर्जी ले ले। बोले वो पहले नहीं, मैंने उनको बोलता था, मैं कहा मार्केट रेट खोल रहे हो क्या? और वही काम तो करते ना, पता ही नहीं था किसी को। हाँ हाँ नारकोटिक्स के ऑफिस चले जाओ, वो दे देंगे, वेरीफाइड होती है। लैब ड्रग्स नहीं होती। अफीम के तो बहुत बहुत स्टॉक आता है। अभी देखना कितना मजा आएगा गवादर पे, सारे ये हिंद महासागर पड़ता है, प्रशांत पड़ता है, जितने शिप घूम रहे होंगे ना सब घूम जाएंगे गवादर पे। गवादर बहुत है, बहुत बड़ा। हुंडई, हाँ जी हुंडई, जापान की है तो बात करता हूं मंजिल से। अच्छा वो प्रोजेक्ट हुंडई मरियम का, नहीं यार वो बने ही नहीं, मैं क्या करूं, मैडम ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, मैडम ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। मैं तुझे पता मेरी आदत, भाई देख मैं पीछे घूमने वाला आदमी तो हूँ नहीं। हुंडई मरियम प्रोजेक्ट जो था, फिर मैंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। ह्युंडई कंपनी जापनीज है ना, देखते हैं प्रोजेक्ट, सब कुछ बना के तो रखा हुआ है। नहीं इंडिया में, इंडिया में जब तक इनकी टीम खुद मिलने नहीं आती मुझसे, एक रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा इंडिया में तो। आपका तो वहां समझ में आ रहा है, उनमें बात थोड़ी सारी बात समझ में आ रही है, पर वहां पॉलिटिकल लॉबी को कहा था कि आप न्यूज आप दोगे, वरना मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। मनी लैंडर्स और मनी लैंडर्स न्यूज में क्या करेंगे, साफ सीधी बात है, सही गलत है बस। हुंडई मरियम प्रोजेक्ट के ऊपर जो गाड़ी हुंडई वालों ने मेरे लिए भेजी, वो गाड़ी बीच में से गायब हो गई। हुंडई वालों ने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने छोड़ फिर। इंडिया में मैं एक रुपया नहीं इन्वेस्ट करूंगा जब तक इनके लोग खुद मिल के, नहीं यहाँ के मनी लैंडर्स भी हैं, बहुत लोग हैं, खुद उठ के बैठ के बात कर लो, चाहे प्राइवेट हो, मुझे फर्क नहीं, गवर्नमेंट के साथ में काम करेंगे ना, सीधी बात है। नहीं हुंडई मरियम के लिए पैसा लगा, ऐसी बात नहीं है, 200 करोड़ के लगभग स्टार्टिंग में लगा था, छोड़ दिया, छोड़ना। बहुत टाइम पड़ा हमारे पास, बहुत टाइम पड़ा है। ये बात तो पहले भी हुई थी, हाँ गवादर और सीपैक 80% रेडी है, 20% वो इधर का ऊपर जो है क्लियर कर देंगे, कर दो सीपैक ऑन कर दिया, जितना है उतने पे तो ऑन कर ही दिया है। मंगा ले नए ट्रक, मंगा ले आ रखे नए ट्रक, बहुत बहुत खड़े हैं, मंगा ले, हमारे को बोल दो जितने जितने नए ट्रक मंगा ले, मंगा ले एम ट्रक मंगा ले, सीनियर के मंगा ले, टेस्ला है, मर्सिडीज है, बहुत ट्रक है ये बात, ये अरे कितने ट्रक ऑपरेटर्स हैं, अरे मैं दे रहा हूँ ना ट्रक, आपको क्या दिक्कत है,
आपको दिक्कत क्या है? आप पुराने ट्रक दो, मेरे से नए ट्रक लो ना, पैसा मांगा क्या मैंने? फिर मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू, इतने ट्रक्स किस लिए हैं? उतारे यार, इतनी महंगी महंगी रोडें बनवाई है यार, क्या बात कर रहा है सीपैक में? वाह भाई वाह, उनको बोलो प्रणाम कर ले इस ट्रक को, उस ट्रक को बोल भैया अभी जो इसमें लक्ष्मी है वो इस ट्रक में आ जाओ, चलो भैया मार सेल्फ, और क्या दिक्कत है, कोई परेशानी? फिर लोडिंग ज्यादा है ना उसमें यार, तू एक ट्रक लेके जाएगा उसमें तू पांच ट्रक लेके जाएगा, ठीक है, मेंटेनेंस हमारी जिम्मेवारी है, समझ रहा है? गवादर पे खड़े कर दे, मंगा ले मर्सिडीज के ट्रक, मर्सिडीज मंगा ले, सीने मंगा ले, एम ट्रक मंगा ले, क्या कहते हैं मैक के मंगा ले, एम ट्रक कह रहा हूँ, मैक मंगा ले, हॉट ट्रक्स है, टेस्ला के भी हैं, फिर ये टेस्ट्रा पता नहीं कौन सी कंपनी है, टेलस्ट्रा कुछ है ना, टाटा ने जो कॉपी किया था, मंगा ले ट्रक बहुत है, वो मंगाइयो मंगाइयो, ऐसे तो रोड पे देखने में लगे, हाँ भाई हाँ चीज है। हाँ नहीं नहीं, वो नए ट्रकों में ना उसमें क्या कहते हैं रिस्क नहीं रहता ड्राइवर्स के लिए, अरे आराम से रहना सोना खाना बाथरूम सारी फैसिलिटी बनी पड़ी है उसमें ट्रक में यार, क्या दिक्कत है ट्रक ड्राइवर्स को, मैं दे रहा हूं ना। नहीं हुंडई का यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रुका हुआ है यार, पोर्ट बनाने का, जापनीज पोर्ट बनना है, मेरा मेरा पूरा मूड जो है ना उड़ीसा के आसपास है कहीं पे, बोथ साइड बनेगा, नहीं पाकिस्तान के पास तो एक सी पोर्ट है ना, इंडिया के पास तो तीन कोने हैं, कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी का तो खैर वो शौर्य क्रूज लाइनर का प्रोजेक्ट बन ही रहा है, ठीक है, उसी चक्कर में तो अमित शाह पिटक पिट गया था, वहाँ पहुँच रहे, जो पागल हो गए क्या तुम बीजेपी वाले, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता भाई, मेरे प्रोजेक्ट नहीं दिखाओगे, तुम्हारा एक बंदा नहीं भटकेगा मेरे प्रोजेक्ट के आसपास। हाँ हाँ हुंडई के, हुंडई वाले बनाएंगे इंडिया, इंडिया के तीन तीन पोर्ट बनने हैं, एक तो बंगाल के पास बनाएंगे, वर्ल्ड लेटेस्ट इन एडवांस, तीन साल में तैयार करना है, समझ में आ गई, एक इधर बना देंगे महाराष्ट्र के पास, भाउच का धक्का है ना, भाउच का धक्का नहीं है, इसी के हम बना देंगे कहीं पे, हुंडई जापानीज, और चाइना इधर जापान है, और दिक्कत क्या है, मर्सिडीज की भी क्रेन्स है, क्या बात कर दी, हम यार हद कर दी, हम लैंड करा देंगे ना माल, कितना माल है जी, लाओ ना वापस, नहीं खड़ा नहीं रहने देंगे, आपका कंटेनर खड़ा नहीं रहेगा सर, ये प्रॉमिस है, गवादर पोर्ट पे साफ बोल दो भैया ट्रैफिक को, ट्रैफिक कंट्रोलर को, समझ में आ गई कि भैया जो भी मर्चेंट शिप की कॉल आ जाए आने दो, बिना देर करे, लूटना नहीं है, पेमेंट हाथ के हाथ सर, पोर्ट पे जहाज लगने से पहले तक पेमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कटाक, माल चेक होते के साथ ही क्लियर, उतार दो सर, लोड करा लो, कितनी स्पीड में काम होगा है? और क्या, ये तो वैसे ही घूमते रहते हैं, सेलर्स हैं, सेलर्स हैं, एक बार वायरलेस हुआ नहीं और तो घुमा देंगे शिप, कई बार क्या बात कर दी, 6-6 महीना माल नहीं बिकता यार, हमारे पास ले आया यार, इलेक्ट्रॉनिक्स ले आया।